कॉलेज से प्राथमिक विद्यालय बैदौला जो बलरामपुर जिले के अंतर्गत आता है, मैं वहाँ पे इंचार्ज प्रधानाध्यापक पद पे कार्यरत हूँ। और मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहती हूँ श्री अरबिंदो सोसाइटी और SCFC बैंक को, जिन्होंने हम जैसे सिंपल टीचर्स के लिए इतना बड़ा मंच तैयार किया जिसमें बहुत सारे टीचर्स इकट्ठे होकर के अपने विचारों को साझा कर सकते हैं, एक दूसरे को से आदान प्रदान कर सकते हैं। तो हमें यहाँ पे बहुत अच्छा लगा कि यहाँ आने के बाद हमें दूसरे टीचर्स से भी उनके आइडियाज प्राप्त हो सकेंगे जिन्हें हम अपने विद्यालयों में अपने बच्चों के साथ इम्प्लीमेंट कर सकेंगे, और अपने विचारों को हम उन टीचर्स को भी दे सकेंगे जिन्होंने हमें अपने इतने अच्छे अच्छे विचार दिए। और इसके अलावा मैं ये बताना चाहती हूँ कि ये जो अरबिंदो सोसाइटी की जो संस्था थी ये हम तक कैसे पहुँची। एक्चुअली मैं हमारे बलरामपुर ज़िले में हमारे BRC पे अरबिंदो सोसाइटी की तरफ से एक दिवसीय ट्रेनिंग रखी गई थी जिसमें हमें पहली बार देखा जाए तो पहली बार ही हमें इस सोसाइटी के बारे में पता चला। हालांकि नवाचार तो हम अपने विद्यालयों में पहले से ही किया करते हैं। नवाचार का मतलब ही होता है कि जैसे आदमी विद्यालय में जाता है, बच्चे सीखते हैं, तो उन्हें कुछ नए तरीके से सिखाना ही नवाचार होता है। तो ये काम तो हम पहले से भी किया करते थे, लेकिन अरबिंदो सोसाइटी की तरफ से एक ट्रेनिंग में हमें इनकी कुछ एक बुक भी प्राप्त हुई जिसमें हमें और सारे आइडियाज देखने को मिले जिन्हें हमने अपने विद्यालय में बच्चों के साथ शेयर किया और बच्चों ने उनसे काफ़ी कुछ सीखा भी। तो इसलिए हम इसका धन्यवाद करना चाहते हैं कि इस ट्रेनिंग के थ्रू हमें यहाँ आने का भी मौका मिला ताकि हम और शिक्षकों से भी मिल सकें। और रही नवाचार की बात, तो जिस नवाचार को करके हमने यहाँ पे अपनी ये जगह बनाई वो बहुत ही खास तो हो ही गई है आज हमारे लिए, ताकि हमें क्योंकि हमें इतना बड़ा मंच मिला है। एक्चुअली में हुआ क्या कि बच्चे हमारे स्कूल में पढ़ाई तो क्या करते थे, लेकिन कभी कभी बीच बीच में पढ़ाने के दौरान भी वो पीछे से कुछ बच्चे खेलने में ध्यान लगाया करते थे, पढ़ाई में थोड़ी उनका दिमाग कम लगा करता था। तो हमने देखा कि बच्चे क्या कर रहा है, तो कभी कुछ छोटे पत्थर, तो कभी कुछ पेपर्स ऐसे लेके खेला करते थे, और लंच ब्रेक में ऐसे ही बच्चे बहुत सारे खेल को खेलने के साथ साथ पत्थरों से भी खेला करते थे। तो मुझे लगा कि बच्चे एक ही खेल को बार बार खेलते हैं, क्या बात है उसमें। फिर मुझे लगा कि मुझे भी क्यों ना देखना चाहिए कि वो क्या खेल रहा है। तो मैंने देखा कि बच्चे पत्थरों से पत्थरों को टकरा के उन्हें फैला के ऐसे कुछ खेल खेला करते थे। फिर मुझे लगा कि मुझे भी खेलना चाहिए। मैंने बच्चों से कहा, बच्चे मुझे भी सिखाइए कि आप क्या खेलते हो। तो उन्होंने बताया कि मैम हम ऐसे ऐसे खेलते हैं। तो मुझे लगा कि अगर इस खेल को अगर हम इसको शिक्षा में प्रयोग करें तो बच्चों का शायद ध्यान इधर हम आकर्षित कर सकते हैं। तो उसे हमने अपने विद्यालय में अपने बच्चों के साथ खेलने का प्रयास किया। मैंने 2-4-10 पत्थर मंगवाया और उसे इकट्ठा करवाया और एक बड़े पत्थर से उन पत्थरों के ऊपर स्लिप करने को कहा, ताकि मतलब बच्चे उसको खेलें और उसे फैलाएं। बच्चों ने बहुत सारे पत्थर एक बड़े पत्थर से मार करके और कई पत्थरों को फैला दिया चारों तरफ। फिर हमने कहा, बच्चों ये क्या कर दिया, कितने सारे पत्थर बाहर हो गए। बच्चों ने कहा कि मैम हमने 2-4 पत्थर फैला दिए हैं। तो मुझे लगा कि अच्छा, पत्थरों को सारे बच्चे काउंट करेंगे। एक एक करके बच्चों ने काउंट किया, मैम ये 4 हैं, किसी ने कहा मैम ये 5 हैं, किसी ने कहा 6 हैं। तो बच्चे अगर 6 हैं तो 6 की स्पेलिंग क्या होगी, मैम 6 की स्पेलिंग SIX 6 हो जाएगी, बहुत अच्छे। और 6 को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, मैम इसे 6 बोलते हैं, बहुत अच्छी बात है। तो इस तरह कर करके हमने बारी बारी से कई बच्चों के साथ इस खेल को खेला और इससे हमें लगा कि इस खेल से बच्चे काउंटिंग सीख रहे हैं और काउंटिंग के साथ साथ इसको हिंदी में लिखना सीख रहे हैं। फिर इसमें स्पेलिंग भी आती है तो इससे इंग्लिश भी सीख रहे हैं। तो मुझे लगा कि एक खेल के साथ हम 3 भाषाओं का ज्ञान बच्चों को प्रदान कर रहे हैं, हिंदी, इंग्लिश और मैथ्स। तो ऐसे करते करते हमने इस खेल को और सब्जेक्ट्स में भी अप्लाई किया, जैसे हिंदी बड़े क्लास में 4th या 5th में हिंदी में विलोम शब्दों को खेल करके और या फिर पर्यायवाची शब्दों को खेल करके, इस तरह इस खेल को हमने और सब्जेक्ट्स में प्रयोग किया ताकि बच्चे चूंकि इस खेल को पसंद करते थे तो उसे नए तरीके से हर सब्जेक्ट्स में अप्लाई कर करके बच्चों ने इसे खेलने का प्रयास किया और काफ़ी रोमांचक भी रहा, बच्चे इसे काफ़ी सीखे। और अब तो हमें देखने को ये मिलता है कि बच्चे जो पत्थरों को अनायास ही खेला करते थे वो इस गेम को इस तरह खेलते हैं और कुछ नया सीखते हैं, बल्कि अपने छोटे छोटे बच्चों को भी उससे सिखाने की कोशिश करते हैं कि हम ऐसे खेलेंगे तो हम ये सीखेंगे, ऐसे खेलेंगे तो ये सीखेंगे। तो इस तरह हमें बहुत अच्छा लगा कि हमारे बच्चों ने इस खेल को इतने बड़े तरीके से खेला और कुछ सीखा और अपने साथ साथ छोटे क्लास के बच्चों को भी सिखाया। और अंत में मैं फिर से श्री अरबिंदो सोसाइटी और SCFC बैंक का धन्यवाद करना चाहती हूँ जिसने हमें इतने बड़े मंच पे बुलाया और बहुत सारे टीचर्स को एक साथ मिलने और समझने का मौका दिया और उनके विचारों को हम तक पहुँचाने की कोशिश की और हमारे विचारों को उन तक पहुँचाने की कोशिश की। धन्यवाद।